काफी खुशी का विषय है और आज मैं याद कर रहा हूं हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रही। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में, हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है,
मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर ये स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में, और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब में मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया
जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। बहुत बहुत धन्यवाद।